प्रोग्रेसिस की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, वो जान लेते हैं संदीप से। संदीप, आइडिया सेल्यूलर और टेक महिंद्रा, एक के अर्निंग्स आए हैं और एक मर्जर को लेकर खबरों में है, दोनों पर प्रोग्रेसिस की राय क्या है? पहले आइडिया की अगर आप बात करें तो सीरियस की रिपोर्ट आई, इसमें उन्होंने रेटिंग और टारगेट प्राइस को अंडर रिव्यू रखा है। उनका कहना है कि वोडाफोन के साथ जो प्रस्तावित मर्जर है उसमें क्या डिटेल्स आती है उसका वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उनका ये कहना है कि एक स्ट्रेटेजिक फिट है, बेस्ट फिट है ये दोनों कंपनीज के लिए। आइडिया को सिनर्जी वाइज काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे डील में। उनका कहना है कि अभी कई सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर सफाई आना बाकी है और कई सारे ऐसे रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी आने बाकी हैं, लेकिन हाँ, बोलते हैं कि वो उनका ऐसा कहना है कि ये मर्जर कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन हाँ, सफाई आने के बाद ही कोई भी रेटिंग और लक्ष्य के ऊपर कॉल लेंगे। टेक महिंद्रा की जहाँ तक बात है, यहाँ पे भी सीएलएस की कॉल आई है। नंबर साला की मुनाफे के फ्रंट पे हमारे अनुमान से बेटर थे, लेकिन सीएलएस ने सेल कॉल मेंटेन किया है, टारगेट प्राइस 430 से बढ़ाकर 450 रुपये किया है। उनका कहना है कि आय ग्रोथ लगातार दूसरी तिमाही में मजबूत रही है, लेकिन हाँ, एबिट मार्जिन लगातार तीसरी तिमाही ऐसा है सीएलएस के जो अनुमान से उससे कम देखने को मिले, और जिस तरह से मार्जिन उनके अनुमान से कम रहे हैं, उनका कहना है कि आगे चलते हुए जो मुनाफे की ग्रोथ है जिन जो सीएलएस के अनुमान है उससे कम देखने को मिलेगी, जिस वजह से वो अभी भी अपना सेल कॉल मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, एक गोदरेज कंज्यूमर और एचडीएफसी को लेकर भी रिपोर्ट है, वो क्या कह रही है? राय बटी हुई है गोदरेज कंज्यूमर पर। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट रेटिंग बरकरार रखी है, 1545 का टारगेट प्राइस दिया है। उनका कहना है कि घरेलू कारोबार में -3% की जो वॉल्यूम ग्रोथ था वो एक बड़ी निराशा रही है। 26.1% का बिट्टा मार्जिन हालांकि अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर है, लेकिन हाँ, घरेलू कारोबार की जो ग्रॉस मार्जिन है उसमें करीब 1.5% के आसपास का सुधार हुआ, लेकिन जो वॉल्यूम ग्रोथ वाला फैक्टर है वो एक डिसअपॉइंटिंग रहा है, जिस वजह से वो इक्वल वेट मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सीएलएसए ने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया है, 1750 से बढ़ाकर 1790 रुपये किया है, और उनका ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिग्रहण और मार्जिन बढ़ने से जो नंबर्स हैं वो काफी अच्छे देखने को मिले हैं। नोटबंदी से घरेलू कारोबार पर असर हुआ है, लेकिन जितना अनुमान था उससे कम देखने को मिला, और सभी सेगमेंट्स में और अक्रॉस ज्योग्राफीज इनका जो मार्केट शेयर है उसमें एक इंक्रीज देखने को मिला है, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिला, जिस वजह से अब भी वो आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रख रहे हैं। आखिर में सीएलएसए की एक एचडीएफसी के ऊपर भी कॉल आई है, जिसमें बायर उन्होंने मेंटेन किया है, टारगेट प्राइस को 1570 से बढ़ाकर 1630 किया है। एयूएम्स और साथ ही साथ निम्स में बढ़त आई, जिस वजह से एनआईआई ग्रोथ काफी मजबूत रही, और इनफैक्ट 9 तिमाही में सबसे बेहतर एनआईआई ग्रोथ देखने को मिली, और एचडीएफसी बैंक के बराबर अब एनआईआई ग्रोथ पहुंची है, जो कि पीक में अगर आप देखें 19% के आसपास का डिफरेंस था, तो काफी अच्छे चेंजेस हुए हैं, और एनआईआई ग्रोथ जो रही है वो बाजार अनुमान से काफी बेटर रही, जिस वजह से सीएलएसए ने बाय कॉल मेंटेन किया और टारगेट प्राइस में अच्छा खासा इंक्रीज किया है। जी शुक्रिया संदीप आपका। तो गोदरेज कंज्यूमर और साथ ही एचडीएफसी दोनों पर सीएलएसए पॉजिटिव है, टारगेट्स को इंक्रीज भी किया है, तो नजर रहेगी आज के सेशन में इन दोनों ही शेयर्स पर। हालांकि आज अर्निंग हैवी डे है, आज ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक, बजाज ऑटो के नंबर्स भी जारी होंगे।